हेलो दोस्तों, मार्टल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज, हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज देखिए, ये है होंडा एक्टिवा और आज का इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि होंडा एक्टिवा का रोलर कैसे चेंज करते हैं और क्यों चेंज किया जाता है उसका, और क्या दिक्कत आती है इसीलिए उसका रोलर चेंज किया जाता है। तो गाइज मेरा वीडियो एंड तक देखना, अगर आप एंड तक देखो तो तभी आपको माहिती मिलेगी। तो गाइज, तो ये है उसकी वेरिएटर पुलीवर, मैंने पहले से ओपन किया है। तो गाइज देखिए, ये है उसका रोलर, देखिए पूरी तरह कट चुका है और इसी वजह से आपकी गाड़ी वाइब्रेशन होती है। तो गाइज, आपके जो गाड़ी में वाइब्रेशन का प्रॉब्लम आए और झटका लेके आपकी गाड़ी चलती है तो समझ लेना चाहिए कि ये इसका फॉल्ट है। और देखिए, ये है उसका न्यू रोलर। तो गाइज ये रोलर आप चेंज करवा देना, क्योंकि ये रोलर चेंज करोगे तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो गाइज देखिए, ये है उसका न्यू रोलर और ये है उसका न्यू रोलर और ये है उसका ओल्ड रोलर। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। ये भी उसकी वेरिएटर पुली भी न्यू चेंज करनी है और देखिए ये है उसकी ओल्ड पुली। तो गाइज, जब आपकी गाड़ी में ऐसा जो कोई वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये उसका रोलर का प्रॉब्लम है। तो गाइज, आप अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपकी गाड़ी है जो एक्टिवा, इसमें ये रोलर और ये वेरिएटर पुली को चेंज कर देना चाहिए, कि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो वाइब्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो गाइज देखिए, ये है उसकी प्लेट और इसमें जो रबर का बूच आता है वो बूच को इस तरह फिट किया जाता है और इस प्लेट को इस तरह वेरिएटर पुली के टॉप भाग में लगाना है। तो गाइज देखिए, मैंने लगा दिए। उसके बाद देखिए, ये है उसका बूश और बूश किस तरह वर्क करता है जब गाड़ी स्टार्ट होती है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाड़ी देखिए गाइज इस तरह वर्क होता है, देखिए। और पुलर का रोलर का काम यही है पिकअप को बढ़ाने में। तो गाइज, आपके पास जो एक्टिवा है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आए तो इस ये है उसका रोलर चेंज कर देना चाहिए। तो गाइज देखिए, ये वेरिएटर पुली को मैंने लगा दिए, इस तरह लगाया जाता है। उसके बाद उसका जो बेल्ट है, देखिए इस बेल्ट को इस तरह फिट किया जाता है। और उसके बाद उसका जो सेल प्लेट है, देखिए ये प्लेट को इस तरह लगाना है। उसके बाद उसका जो रेचेट आते हैं वो रेचेट को लगाना है, उसको बोलते हैं कि चक्कर। और देखिए, ये उसका फैन कवर है, वो फैन कवर को भी इस तरह लगाना है। उसके बाद उसका देखिए रेचेट है, उसको किक चक्कर बोलते हैं, वो किक चक्कर को इस तरह लगा देना। उसके बाद देखिए, ये उसका वॉशर है और वॉशर के बाद उसकी जो नट आती है, देखिए इस नट को इस तरह फिट कर देना चाहिए भाई। तो गाइस, सभी आपकी गाड़ी में जो ऐसा वाइब्रेशन का प्रॉब्लम है, अगर आपकी गाड़ी जो झटका लेके चलती है और वाइब्रेशन ज़्यादा मारती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका जो रोलर है पूरी तरह ख़राब हो गया है, तो रोलर को भी चेंज कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए, इस नट को मैं पूरी तरह टाइट कर देता हूँ। तो इस नट को पूरी तरह टाइट कर देना चाहिए, क्योंकि पुली ओपन ना हो जाए। तो गाइस देखिए, नट को टाइट करने के लिए देखिए ऐसा टूल कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इस टूल को सेल प्लेट में फंसा के इस तरह पूरी तरह फिट किया जाता है। तो गाइस देखिए, ऐसा टूल आपके पास होना ज़रूरी है, तभी उसकी प्लेट ओपन होगी या फिट होगी। तो गाइस देखिए, उसको इस तरह पूरी तरह फिट करके जो उसकी जो 22 नंबर की नट है वो पूरी तरह फिट कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए, मैंने ये पूरी तरह उसका टूल्स टाइट कर दिया है। उसके बाद देखिए, ये है 22 नंबर का रिंग पाना लेकर इस नट को पूरी तरह टाइट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, इस नट को इस तरह टाइट किया जाता है। तो गाइस देखिए, इस नट को मैंने पूरी तरह टाइट कर दिया। अगर गाइस इस नट ओपन के लिए देखिए गाइस ऐसा टूल्स आपको, गाइस देखिए ये टूल्स आपके पास होना ज़रूरी है, इसी वजह से इस नट ओपन होती है और फिटिंग होती है। तो गाइस देखिए, अगर आपके पास होंडा एक्टिवा है, अगर ऐसा फॉल्ट आए आपकी गाड़ी ज़्यादा वाइब्रेशन मारने लगेगी और झटका लेके चलने लगेगी, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यही का प्रॉब्लम है। उसके बाद गाइस देखिए, ये है उसका किक कवर
और ये किक कवर को मैं पूरी तरह टाइट कर देता हूँ, क्योंकि इसके जो 8mm के बोल्ट आते हैं वो 8mm का टिपाना लेकर उस बोल्ट को पूरी तरह टाइट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये मैं टाइट कर देता हूँ। तो गाइस देखिए, ये है होंडा एक्टिवा। और गाइस जैसे होंडा एक्टिवा में ये वाइब्रेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है और गाड़ी चटका लेके चलती है, तो ये वाइब्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए गाइस ये वीडियो में मैंने आपको लाइव दिखा दिया है कि क्या करना है और क्या चेंज करना है। तो गाइस मेरा वीडियो एंड तक देखना और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो गाइस ऐसे सारे रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे टू व्हीलर के लगते।